हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीति शुक्ला। मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ, और मैं आज आपके सामने डाइट फॉर फिटनेस के ऊपर चर्चा करने के लिए आई हूँ। डाइट फॉर फिटनेस से मतलब है कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, उसको करने के बावजूद भी 70% लोग ऐसे होते हैं जिनका कि ज़रा भी वज़न कम नहीं होता, जिनको वज़न बढ़ाना होता है उनका वज़न बढ़ता भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक न्यूट्रिशनिस्ट की सहायता ज़रूर लेनी चाहिए, जिनका कि काम रहेगा कि जो हमें एक अच्छी डाइट को सजेस्ट कर सकें। जब हम अच्छी डाइट की बात करें तो वो होती है एक बैलेंस्ड डाइट, जिसमें प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ कैलोरी, प्रोटीन, फैट्स सब होना चाहिए। कोई भी एक टाइप की फैट डाइट को फॉलो करने से अपने को जैसे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं वैसे नहीं मिलते हैं। अमूमन देखा जाता है कि कई लोग सुबह एक्सरसाइज करने के लिए खाली पेट ही चल पड़ते हैं, जबकि ये एक गलत आदत है। आपको थोड़ा बहुत कुछ नट्स या कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसा कुछ लेके फिर अपनी एक्सरसाइजेस को चालू करना चाहिए। एक्सरसाइज के बाद में हमें प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए, विच कैन बी गुड ब्रेकफास्ट, लाइक स्प्राउट्स, कुछ चीले वगैरह हम ले लें। वैसे ही जब हम दोपहर के खाने की बात करते हैं तो उसमें भी एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, यानी कि दाल, दही, सैलेड, सब्जी, रोटी, ऐसा एक व्यवस्थित खाना होना चाहिए। और उसी तरीके से हमारा डिनर भी पूरा व्यवस्थित होना चाहिए। बहुत सारे लोग वज़न कम करने की चाह में और इसमें ऐसा रात के खाने में कुछ जूसेस लेने लग जाते हैं, या फिर कोई एक ही टाइप के फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन डाइट, ये सब ऐसा करते हैं। तो ऐसा जब हम वज़न कर भी लेते हैं कम, तो वो एक्चुअल में आपका मसल लॉस होता है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली योर फैट लॉस। और जब ऐसा मसल लॉस किया जाता है तो वो रीगेन भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। तो आप अपना डाइट को ज़रूर से संतुलित बनवाएं। आपकी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार अलग अलग टाइप के डाइट्स बन सकते हैं जो आपके स्केड्यूल को सूट करें। ऐसा कोई भी डाइट फॉलो नहीं करें जिसको आप बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते। तो ऐसे रिजल्ट्स लेना चाहिए जो कि सस्टेनेबल हों। एक्सरसाइज फॉर फिटनेस का मतलब यही है कि तंदुरुस्ती के साथ साथ में आपका एक ऑप्टिमल वेट भी हो उसके साथ में। थैंक यू सो मच।